फ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ पिछले किस्सों के बारे में आप लोगों से चर्चा करने आया हूं। आप लोगों को ध्यान होगा पिता द्वारा के सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फादर हैं उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी बिहार में। बिहार पुलिस मुंबई गई और मामला जिस तरह से एक्सपेक्ट किया गया था उस तरह से जाँच नहीं हो पाई, जिसके चलते बिहार सरकार ने सीबीआई की मांग रखी। बिहार सरकार की तरफ से जो वकील खड़े हुए थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनका निधन हो गया है। ये एक सैड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत केस में ये एक खबर आई, मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ इस केस को और इस खबर को शेयर करूँ, क्योंकि वजह है सुशांत सिंह राजपूत केस सीबीआई के हवाले गया, जिसमें एक पार्ट इनका भी था जो कि वकील थे केशव मोहन, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे बिहार गवर्नमेंट को और जिन्होंने अपनी याचिका रखी थी सुप्रीम कोर्ट के आगे और मांग की थी कि ये केस सीबीआई को जाए और मामला सीबीआई के हवाले गया। तो अब ये खबर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। खबर ये है, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील केशव मोहन का शनिवार को सुबह कोरोना के कारण निधन हो गया है। ये खबर आ रही है, केशव मोहन वही वकील थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़े मामले को सीबीआई को ट्रांसफ़र करने के बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सफलतापूर्वक सही ठहराया था। कोरोना की वजह से शनिवार को सुबह हालत बिगड़ गई जिससे उनका निधन हो गया। केशव मोहन अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था, हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये एक सैड न्यूज़ है, रिलेटेड टू सुशांत भी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। केशव मोहन तब चर्चा में आए थे जब सुशांत के पिता की तरफ से पटना में दर्ज एफआईआर की सीबीआई की जांच के लिए बिहार सरकार की सिफारिश के केस पर सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व किया गया था। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसने अभिनेता के पूर्व प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और 6 अन्य पर आत्महत्या सहित विभिन्न आरोप लगाए थे। केशव मोहन सहारा नियामक समूह और उसके प्रमुख सुब्रत राय के साथ बाजार नियामक सेबी के साथ कंपनी के विवाद से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी पूरा करने के बाद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में दाखिला लिया था। मोहन की हाल ही में शीर्ष अदालत में बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये एक सैड न्यूज़ है वो सुशांत सिंह राजपूत फैंस फैमिली और चाहने वालों के लिए, लेकिन ये खबर आई मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं और श्रद्धांजलि दूं केशव मोहन जी को। तो फिलहाल भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कुछ और खबरों के साथ कुछ देर में फिर जुड़ूंगा।